वेलकम है दोस्तों आपका अपने चैनल नबील अजीज में। मोहम्मद अजीज साहब के शानदार गीतों के प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी आवाज़ से सबका दिल जीतने वाले बेहतरीन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब के शानदार गीतों के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अजीज साहब के कुछ ऐसे एल्बम गीतों के बारे में। उन एल्बमों को कंपोज किया था म्यूज़िक डायरेक्टर गज़लफ़र अली ख़ान जी ने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब ने गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में भी बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं और उन गीतों को लोगों ने बहुत पसंद किया। वो कौन कौन से गीत हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों सन 1982 में गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दिए थे। एल्बम का नाम है दास्तान-ए-करबला। जी हाँ दोस्तों, दास्तान-ए-करबला एल्बम के अंदर मोहम्मद अजीज साहब ने 10 गीत गाए थे। उसके बाद गज़लफ़र अली ख़ान जी ने एक और एल्बम बनाया। जी हाँ दोस्तों, एल्बम का नाम था खुदा गवाह है। जी हाँ दोस्तों, उस एल्बम के अंदर भी गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में 10 गीत गाए थे मोहम्मद अजीज साहब, और कंपोजिंग जो था वो गज़लफ़र अली ख़ान जी का था। और कौन कौन से गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आया है अलम और अलमदार ना आया, बोली कुबरा खुदारा चले आइए, आई जहरा की सदा नाले जंजीर के साथ, अब करबला की गोद में प्यारे नबी वाले हैं, कल्बे मोमिन में यूं वफा बन के खूने हुसैन चादर जैनब की दास्तां, क्या शान करबला तेरी, मोमिनों कांधे पे हैदर का जनाजा ले चलो, रूहे पैगंबर तड़प रही है। और ना जाने ऐसे कितने गीत गाए मोहम्मद अजीज साहब ने गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में। जी हाँ दोस्तों, गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में मोहम्मद अजीज साहब ने बेशुमार गीत गाए हैं। लगभग 40 से 50 गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गज़लफ़र अली ख़ान जी के कंपोजिंग में गाए हैं। उनमें 2-3 गीत तो इतने बेहतरीन हैं और बहुत ही दर्द भरे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, ये ज़िंदगी तेरे कदमों में डाल जाएंगे, और दूसरा है याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, और तीसरा है अपना फसाना अपनी वफा उनको सुनाए जा। जी हाँ दोस्तों, ये गीत भी गज़लफ़र अली ख़ान जी ने ही कंपोज़ किए थे और मोहम्मद अजीज साहब ने अपने बहुत ही दर्द भरे आवाज़ में इन गीतों को गाया था। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं इन शानदार गीतों को मोहम्मद अजीज साहब के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार आवाज में। मुझसे नाराज हो अब न आओगे क्या, मेरा दुखता हुआ दिल दुखाओगे क्या, मुझत में बेवा बनाओगे क्या, बाग उम्मीद अब ना बसाओगे क्या, दिल है रोता हमारा चले आइए, रन में पुरान पे पुरान पेश करता गया, रन में पुरान पे पुरान पेश करता गया, झुक गया शुक्रिया, झुक गया शुक्र तो सजदे में वो तामीर के साथ, शबे आशूर हरम का वो समा अल्लाह अल्लाह, शबे आशूर हरम का वो समा अल्लाह अल्लाह, मेरी बाय नबील अजीज, हर एक को संवरता है करा, दस्ते मादर में हर एक को संवरता है करा, तीरा है तीर से अली असगर के हलक को, तीरा है तीर से
अली असगर के हलफ को कब आए मेरी बाइनबिल अजीज लौट के राह देखती है माँ देखती है माँ बाजू जो कटे दांतों से मशकीदा उठाया बाजू जो कटे दांतों से मशकीदा उठाया मशकीदा उठाया आए मेरी बाइनबिल अजीज फौज का सालार नाया अली नजफ से आए नबी मदीने से अली नजफ से आए नबी मदीने से अब पेश मेरी बाइनबिल अजीज हुसैन की शहादत सवाल है ऐसा उजेड़ा कुंभा लेके जाऊंगी कैसे बोलो मदीने किसको सुनाऊंगी गम की कहानी किसको दिखाऊंगी चेहरा हुसैन बचे शेर लाही थी आया चेहरे से है बचे शेर लाही थी आया चेहरे से फौज भागी अब्बास को आते देखा ये शानदार नूहे तो हम लोगों ने मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में सुने जो कि मोहम्मद अजीज साहब ने अपने बहुत ही दर्द भरे आवाज में इन नूहों को गाया था। दोस्तों इन सभी के सभी नूहों को कंपोज किया था म्यूजिक डायरेक्टर गजलफर अली खान जी ने। दोस्तों बड़े से बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर और छोटे से छोटा म्यूज़िक डायरेक्टर सभी खुश नसीब हैं कि उनको मिला मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ काम करने का मौका। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को ये शानदार गीत मोहम्मद अजीज़ साहब के कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।